नमस्कार, शिल्पा गुप्ता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बेसन की भुजिया घर में बनाएंगे और बहुत ही कम टाइम में बनाएंगे। ना कोई इनो, ना कोई मीठा सोडा डालेंगे, बिल्कुल मार्केट के जैसा भुजिया हम घर में बनाएंगे। तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं क्रिस्पी भुजिया। तो इसे बनाने के लिए हम 300 ग्राम के लगभग बेसन ले लिए हैं। इसे एक बॉल में डाल लेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे, 1.5 चम्मच के लगभग नमक डालेंगे और आधा चम्मच से ज़्यादा मिर्च पाउडर डालेंगे ताकि तीखा बने तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलाना है तेल वगैरह, क्योंकि ऐसे ही ये क्रिस्पी बन जाता है, क्योंकि हम बेसन को पानी डालकर अच्छे से फेंटेंगे। हमें बेटर बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा गीला करना है, बस अच्छे से थोड़ा सा बेटर नरम चाहिए। इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि हमें ना रिफाइंड डालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही मीठा सोडा डालने की। तो अच्छे से फेंट कर तैयार कर लिए। उसके बाद हम मशीन ले लिए सेब बनाने वाली, और जिसका सांचा सबसे पतला है इसमें हम बनाएंगे भुजिया। या आपको जैसा बनाना है वैसा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छे से हम रिफाइन ग्रीस कर लेंगे ताकि बेटर हमारा चिपके ना। तो सारे चीज़ में अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद हम इस जाली को रख देंगे। अब हम चम्मच की मदद से इसमें बेटर को भर देंगे, जितना एडजस्ट हो सके उतना भर लेंगे। तो बेटर अगर हमारा सॉफ्ट रहता है तो फिर बनाने में बहुत ही आसानी होती है, पता ही नहीं चलता है कि हमें कोई मेहनत भी लगा है। तो अच्छे से हमें इसे टाइट कर लेना है। रिफाइन गर्म होने के लिए रख दिए थे, तो इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर बनाएंगे। तो बस ये देखिए कितना आसानी से गिर रहा है। अगर आप बेसन थोड़ा सख्त रहता तो गिराने में थोड़ा परेशानी आता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो इसलिए थोड़ा सॉफ्ट ही रखें बेटर को, ताकि आपको कोई मेहनत नहीं लगेगा, फटाफट बन करके तैयार हो जाएगा। तो बस इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में आराम से क्रिस्पी हो जाता है। तो इसे एक दो बार पलट लेंगे। तो आप मार्केट से जो भुजिया खरीद के लाते हैं, आप एक कटोरा बेसन से बहुत सारा भुजिया बना सकते हैं, और वो भी फटाफट, कोई ख़ास मेहनत नहीं है। तो आप ज़रूर ट्राई करें घर में। तो बस ये हमारा हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। और बस इसी सेम प्रोसेस में हम और भी जो बचा है उसे भी छान लेंगे। तो बस एक बार भर देने से 3 बार आराम से बन जाता है। तो इसे अच्छे से चारों तरफ घुमाएंगे। आप चाहे तो एक ही लगातार में घुमाते रहिए ताकि जाली के जैसा बनेगा। तो हम इस तरह से भी बना रहे हैं और उस तरीके से भी बनाएंगे, जो कि बीच में टूटे नहीं, पूरा जाली के तरह बनेगा हमारा। तो ये भी हमारा हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। तो अब हमारा सारा बन करके रेडी हो गया है। तो ये देखिए बिल्कुल मार्केट के जैसा, बस इस तरीके से बना लेना है। और आप कई महीने तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये हमारा फटाफट से भुजिया तैयार है। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है। किसी भी तरह का हम मीठा सोडा इनो या ना ही थोड़ा सा भी रिफाइंड डाले हैं। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीन मानिए बिल्कुल भी ये कड़ा नहीं बना है, बिल्कुल खास्ता बना है। तो बस प्रेस करके इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो ये हमारा तैयार है, परफेक्ट मार्केट के जैसा बेसन भुजिया। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और इसे महीनों भर आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए बेसन का टेस्टी एंड क्रिस्पी भुजिया।